तीसरे एम्पायर भी बहुत व्यस्त रहे इस टूर्नामेंट में, फिर से रेफर किया गया है, उनकी राय ली जाएगी। गेम तो बिल्कुल सही, बढ़िया एक्शन, और एक्शन के की बात करें तो बहुत ही किफायती एक्शन। अतुल वासन पीछे से तारीफ है के पुल बांध रहे हैं गेंदबाजी एक्शन के, लेकिन यहां पर एक छोटी टीम मीटिंग भी हो रही है, बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं अंपायर का निर्णय क्या होता है। शफल कर कर अंदर की तरफ आए थे और काफी ऊंची लगी है गेंद नी रोल के ऊपर, एक बार देख लेते हैं गेंद पड़कर अंदर की तरफ आई, काटा बदला गेंद ने, लेकिन मेरा मानना है हाइट बहुत ज्यादा थी, ऊंचाई बहुत थी और इसी का फायदा शायद यहां पर बल्लेबाज को मिलेगा। या दिवाग यही है मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अगर आप देखें गेंद जो पैड का जो फ्लैप है वहां पे जाके लगी है, हालांकि आप ज्यादा बैक एंड क्रॉस गए नहीं, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, पर ये जो विकेट है जैसे हम बार बार कह रहे हैं ठोस है काफी, है, उछाल इस विकेट में है और लंबे कद के भी है विष्णु, तो बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे बैट्समैन को जरूर मिलना चाहिए। और यही कारण है जो ऑन फील्ड एम्पायर है वो ज्यादा प्रभावित थे नहीं। तो पांच ओवर की समाप्ति, मुझे लगता है नॉट आउट निर्णय है अब थर्ड एम्पायर का। पांच ओवर के बाद 20 पे बीस पर एक, और बहुत ही बढ़िया लड़ाई हो रही है यहाँ पर चेन्नई ने पांच ओवर में केवल 20 रन बनाया और एक विकेट गवाया। और गेंदबाजी की अगर बात गेंदबाजों की बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है कर्नाटका के गेंदबाजों ने, ध्रुव जारी रखेंगे गेंदबाजी पार्ले जी एंड से, और बढ़िया गेंद, कोई भी रन नहीं आया। और अब चलते हैं गेल के पास बाउंड्री लाइन पे। From the Rudeya Foundation, we have Mr. Yugandhar right here. Sir, the Rudeya Foundation has been doing fantastic work, and this year it has tied up with the CCL to save 100 hearts. Tell us a little more about it. See, we at Rudeya do free surgeries for children who are having a heart problem, but below 12 years. So we do it free of cost. We don't charge anything from the patients. And there have been a lot of patients still waiting. We are very happy that CCL management has taken the initiative to sponsor 100 children surgeries. It's not a small issue, it's a big event. And we also thank Mr. Sachin Joshi and other team owners who have agreed to contribute to their foundation. We are grateful. With this publicity, we feel that we'll get a lot of more donors to come forward to help there, so that we can give rebirth to many children who are suffering with heart problems and who can't afford the cost of today's surgeries. All right. Sir, 100 Hearts Foundation, it's absolutely fantastic what you're doing. For now, this is the CCL, this is the semi-finals, and I'm sure you're watching keenly as well. So can you tell us, is there any team that you're supporting in particular? Naturally, Telugu team we support because we are from Hyderabad. Naturally, is that even a question? So kya lagta hai sir, Telugu jeet jayega finals? Definitely. All the best to Telugu team. All the best. धन्यवाद गेलन, 22 पर एक है चेन्नई। माफ कीजिएगा हमें वहां तकनीकी खेत के कारण
से हटाना पड़ा। विष्णु खेल रहे हैं 8 पर और विक्रांत 4 पर, लेकिन यहां पर बहुत ही बढ़िया साझेदारी जहां तक गेंदबाजी का सवाल है। ध्रुव और प्रदीप ने बांधे रखा है चेन्नई के बल्लेबाजों को। दो माहिर बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, वरिष्ठ चेन्नई के बल्लेबाज। रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 9.5 तक पहुंच गया है और इस बार लाजवाब ड्राइव आखिरी गेंद थी इस ओवर की, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट खेला। 6 ओवर के बाद 26 पर 1 चेन्नई। करें तो कर्नाटका 49 पर 1 था और चेन्नई 26 पर 1। यहां पर रनों की गति पर पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ है, तो इसका श्रेय जाता है कर्नाटका के गेंदबाजों को। 26 पर 1 चेन्नई और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 9 के ऊपर पहुंच गया है। और इसी बीच गेंदबाजी में भी बदलाव और यहां पर कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव। मेरे साथ जुड़ गए हैं अतुल। सुधीर ट्रम्प कार्ड है कर्नाटका बुलडोजर्स के, और मुझे लग रहा था जिसका डर था वही हुआ। अब आपने प्रेशर ले लिया क्योंकि आप बड़ा स्कोर चेज नहीं कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि शुरू में रन ना भी बने, विकेट रहेंगे तो बाद में बन जाएंगे। ये थोड़ी सी दो धारी तलवार रहती है, डेंजरस एक नीति है। अब आपका स्कोरिंग रेट है सिर्फ 4 के आसपास का, आसपास लगभग 8 हो चुका है। हालांकि बल्लेबाज जो है दोनों सेट हैं, 16 बॉलें खेल चुके हैं विष्णु, 9 बॉलें खेल चुके हैं विक्रांत, पर बिग शॉट्स नहीं आ रहे। तो मुझे एक को रोल लेना होगा आपस में बात करके कि एक गेंदबाजी के पीछे जाए, जिस आपस में जब बल्लेबाज बात करते हैं लगता है कि कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कौन से गेंदबाज को ज़्यादा समझ रहा है। क्योंकि अगर इस समय आप पिछड़ते चले गए, फिर प्रेशर में आपने 2 विकेट लूज कर दिए, तो फिर मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल, और भी दबाव बढ़ जाएगा, तो यहाँ सोच समझ कर जोखिम लेना होगा। और अब यहाँ पर और कोई विकल्प है भी नहीं। दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो गए हैं, मैं मानता हूँ। विष्णु ने 17 गेंदों का सामना किया है, विक्रांत ने भी 10 गेंद खेल ली है, तो वक्त आ गया है कि